साल में एक दिन बुजुर्गों का होता है, और हम हर साल यहाँ जंतर मंतर पे आते हैं, लेकिन हमें कोई सुधार नहीं मिलता। उस पॉलिसी के अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि मीडिया हैज ए वाइटल रोल टू हाईलाइट द ग्रीवेंसेस ऑफ सीनियर सिटीजंस। ये मीडिया के ऊपर भी आ रहा है, प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, तो उसको भी हमारा जो है साथ देना चाहिए, क्योंकि हमारी नेशनल पॉलिसी होल्डर पर्सन जो है, जो 1979 में बनी थी और 2011 में फिर थोड़ा चेंज हुई थी, उसमें भी ये चीज़ लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कि आपका आपके साथ मीडिया रहेगा। लेकिन ये है कि हमारे को बहुत यही है कि हमारी कवरेज नहीं होती है, वो कवरेज हो जाती है। छोटा मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे, हम ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम है, बच्चों से प्रॉब्लम है हमारे को, घर के बच्चों से। बच्चों को प्रॉब्लम इसलिए से है कि वो इधर यूज़ करते हैं और इमोशनल विरोध दिखा करके धोखे से वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते हैं जब उनकी शादी होती है, और उसके बाद जब प्रॉपर्टी एक बार उनके नाम कर दी गई तो उनको धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, और बुजुर्ग जो है रोड पर आ जाते हैं। ऐसे केसेज हमारे पास बहुत आ रहे हैं, और हमारे पास चार पाँच केस डेली आते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम बच्चों को मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे तो आगे जो जनरेशन आपकी आने वाली है, वो बच्चे आपको भी जो है लुकाफ्ट नहीं करेंगे और आपका सम्मान नहीं करेंगे। जो चीज़ आप हमारी उम्र के लोगों से कर रहे हो, वो बच्चे वही चीज़ जो है आपके साथ भी करें। हमारा ये मैसेज है, और हम ये चाहते हैं कि हमें रेस्पेक्ट दें। ये नहीं एक बड़ा जो है एक घर के अंदर एक बेचारा बूढ़ा बैठा हुआ है और वो कह देते हैं चाय, बेचारा नंबर नहीं अभी चाय का, पहले बहू को जाने दो, पहले बच्चे को स्कूल जाने दो, फिर जो है तुम्हारा नंबर आएगा। वो ज़रा घंटा बैठा रहता है, उसको चाय नहीं मिलती। तो ये चीज़ें बिल्कुल हाउस वाइफ के लिए बहुत गलत चीज़ है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले चाय सारा काम छोड़ के बुजुर्ग को देना चाहिए आपको। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चाय का मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा सिर्फ ये सम्मान कहना चाहता हूँ कि आप जो है उसको सही तरीके से करें। हमारा यही मैसेज है यहाँ पर, और हमारा कोई मैसेज नहीं है, बस ये कि बुजुर्गों का सम्मान करिए ताकि आपको ब्लेसिंग मिले। अब तो हमारी दो साल से उनके केस लटके हुए हैं, तो उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। जल्दी इंसाफ करें, क्योंकि सिविल कोर्ट में चले जाते हैं लोग, सिविल कोर्ट में आप जाते हो 10 साल लगते हैं, इतने बाद भी ऊपर चले, तो उसमें कोई मतलब तो मेंटली तक का कोई फायदा नहीं हुआ, मेंटली सेट बना दिया। जल्दी दूसरी बात ये है, टाइम बाउंड होना चाहिए, ज़्यादा एक्सपेरी 90। ये बात मैडम नियम कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को स्पेशली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे को बच्चों से, बच्चे जो हैं हमारे बुजुर्गों का घर में सम्मान नहीं करते, वो उनको नेगलेक्ट करते हैं। नेगलेक्ट भी कई तरीके का इमोशनल भी है, अगर आप उनसे बात ही नहीं करोगे तो वो भी अगर यूज हो गया, वो अकेला बेचारा बैठा रहता है, वो देखता रहता है। तो मेरा मतलब ये है कि उनसे बात करें, जब वो चाय पीने का टाइम दें सबसे पहले दें, तो सबसे आगे में उसको चाय मिलती है। तो ठीक है, वो 30% ऐसे भाग्यशाली होंगे, 70 में से 3% ऐसे होंगे मुझे भाग्यशाली, तो मिलती होगी मेरे बच्चे साथ में, क्योंकि मेरे साथ में बच्चे होंगे मेरा कहने का मतलब है, मेरे और भाई 70% के लोग हैं, हम यहाँ आए इसलिए, हमारा कोई मोटिव नहीं है, कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये तो सिर्फ हम हर साल आते हैं, और हमारी यही विचारधारा है कि भी आप लोगों का सम्मान करो तो आपको भी सम्मान मिलेगा। जब जनरेशन आएगी तो और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, और एक हम और जरूर चाहते हैं कि जो हमारी देश करा जाती है, हम सबसे पहले रूल ये है, जब भी कोई सीनियर हमारे पास आता है हम प्रिंसिपल प्रिंसिपल कंप्लेंट करते हैं इमीडिएटली विदिन 2 डेज, और पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद हम 2 दिन में कंप्लेंट करके भेज देते हैं उनको। लेकिन वो क्या होता है, जाती 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 जाएगी, और एक्सेप्ट हो गया, वो कंप्रोमाइज हो गया,
जन्म मिला बच्चे, अगर वो समझ लिखते हैं तो छोटी पर प्रोवाइड करो उसको, तो एजुकेटेड देखते हैं हम आपके लिए है। ये देखो एक ये है काम की है, इसके गोलू बेटे जवान है, पैसा कमा रहे हैं कमा रहे हैं और इसको धक्के निकाल रहे हैं। सारा कांड में पुलिस को भी बताइए और वो सेक्टर बैंक में इसका चेक चल रहा है, सुनते नहीं है उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर आप साफ लोगे तो मुझे 100% उम्मीद है अगले दिन वो पुलिस वाला इनके पास आएगा, डर के मारे आएगा कि मेरी नौकरी ना चली जाए, इसलिए हम लेके आए और लेके आए तो मकान ही दे दिया खड़े हैं सब दोनों केसेस को, तो पता लगे दिल्ली पुलिस चौकन्ना हो जाएगी कि यहाँ में अगर कंप्लेंट करेंगे तो उनसे भी ये है कि यही चाहते हैं कि भाई जस्टिस मिलना चाहिए हमारे को और रिस्पेक्ट होनी चाहिए घर में भी और बाहर भी, क्योंकि बैंक में जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है कि आपके बुजुर्ग को 75 साल से ऊपर के लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपके घर आएंगे, लेकिन ऑर्डर तो निकाल दिया लेकिन वो घर नहीं जाते ना लाइन लगाते रिजर्व बैंक वाले, तो परेशान हो रूल ये है कि घर से छाछ ले जाओ सीट ले जाओ घर में चेक करा करके, तो बेचारे लोग करना है वो घर में सेल्फ चेक ले जाए और वो उसको देख जाए, लेकिन वो करती नहीं है रिजर्व बैंक फॉलो नहीं कर रहा है, रिजर्व बैंक को नहीं नीचे वाले जो बैंक हैं वो नहीं कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं सब कुछ है, तो ये चीजें हम चाहते हैं। हाँ दूसरी बात ये है कि देखिए दिल्ली गवर्नमेंट हमको रिक्रिएशन कार्ड दे रही है और 2 साल से हमको नहीं मिल रही है, लेकिन खर्चा एडवर्टाइजमेंट पे दुनिया भर का हो रहा है, शिकायतें सब जगह करी, लिख के भी दिया है मंत्री को भी दिया है चीफ मिनिस्टर को भी दिया है, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन हमारी ग्रांट 2 साल से बंद है, अंदर रीजन बताते हैं कि क्यों बंद है ये भी नहीं बता रहे। 2 साल से पहले हाँ वो मिलती थी रेगुलर मिलती थी, 2 साल से अलग थी, तो वो दे वो रिक्रिएशन एक्टिविटी होती थी, उससे हम क्या करते थे 3,000 रुपये महीने से इनको सीनियर को कहीं घुमा लाते थे, कहीं वृंदावन ले जाते थे और दिक्कत थी छोटी छोटी चेयर के करवा लेते थे इनको चाय कॉफी पिला देते थे, तो वो खर्चा इसलिए मिलता था तो वो खर्चा इन्होंने बंद कर दिया और अपने केसेस में वो लाखों रुपये फीस दे रहे हैं, तो वो हम ये कहना चाहते हैं। आपके मैसेज आपके आपके जरिए मीडिया की तरफ से हम ये हाईलाइट करना चाहते हैं, बाकी हमारा बस यही है डिमांड, लेकिन 2 केस हम आपके लिए आए हैं, इनकी जरा 5 मिनट का बात हमारी छोड़ दीजिए, बाकी सब लोग को हम विदा कर लेते हैं। बढ़ गया है और एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं आखिर में, अब उन लोगों को मैसेज दूँ, मैं सारे बुजुर्गों से ये कहना चाहता हूँ कि अपनी प्रॉपर्टी ना तो सेल डीड करो ना गिफ्ट डीड करो, सिर्फ बिल करो, अगर बिल करोगे तो तुम सारी उम्र खुश रहोगे, फिर उसकी किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको चू कर दे, वो कहेगा भी जब तक बूढ़ा बैठा है तो भी इसकी सेवा करो, सेवा करते रहेंगे। अगर आपने क्या वो गड़बड़ जो हो रही है वो यही हो रही है कि जो पहले 20-30 साल पहले उन्होंने अपने नाम कर दी गिफ्ट डीड बढ़ा दी सेल डीड बढ़ा दी, हालांकि वो कैंसिल हो सकती है, हमने कैंसिल भी करवाई है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशन क्यों आए हम ये कहना चाहते हैं, ये मैसेज हम देना चाहते हैं।